गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. यस्टरडे वी डिस्कस्ड द टॉपिक लेजिस्लेचर, इन विच वी डिस्कस्ड द समरी ऑफ द चैप्टर एंड आई एक्सप्लेन यू द होल चैप्टर एंड द न्यू टर्म्स ऑफ द चैप्टर्स, है ना. चैप्टर टुडे आई डिस्कस विद यू द एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सप्लेन ऑल द आंसर्स. योर ओपन योर बुक एंड सी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी. आलोक थिंक्स दैट अ कंट्री नीड अ एफिशिएंट गवर्नमेंट दैट लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ पीपल. सो If we simplify elected our prime minister and minister and left them to task of government, we will not need a legislature. Do you agree? Give reason for your answer. इसमें मतलब ये है कि जो आलोक है वो कह रहा है कि हम सीधे जो है अपना एक प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कर लें और साथ में जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको इलेक्ट कर लें और उसके बाद सारा कुछ जो है वो उनके ऊपर छोड़ दें. तो अब इसमें ये क्वेश्चन है कि क्या ये सही है और इसके आंसर दो, रीजनेबल आंसर दो. सो बेटा, अगर आप खुद अपने बिना उससे सोचो, अपने दिमाग में सोचो कि क्या ये सही है. नहीं, इंस्टीट्यूशन चाहिए होते हैं ना किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, है ना. तो आलोक्स थिंकिंग इज नॉट करेक्ट बिकॉज अ सिंपल इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स वी क्रिएट ओनली अ डिक्टेटरशिप एंड ट्रू रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैन नॉट बी मैटराइज्ड. ठीक है. अब उसमें क्या होगा कि हमने एक मतलब 5 ईयर्स के लिए या जो भी टर्म होगी उसमें हमने एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट कर दिया, तो क्या हो गया, वो प्राइम मिनिस्टर थोड़ी हुआ. फिर जब सब कुछ उसके हाथ में है तो क्या हुआ, वो जो है डिक्टेटर हमने 5 ईयर्स के लिए अपने अपॉइंट कर लिए. अ लेजिस्लेचर, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है, अ लेजिस्लेचर फॉर्म्स अ लॉ एंड एग्जीक्यूटिव रन द गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन. प्रीवियस चैप्टर में हमने एग्जीक्यूटिव्स पढ़े थे ना, ठीक है. उसमें थे हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स एंड सम आर अवर परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स. तो ये जो होते हैं क्या है, ये 3 जो ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये क्या है, ये चेक एंड बैलेंस है जिससे क्या होता है कि डिक्टेटरशिप नहीं आती और डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग. फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास के अंदर अभी अभी आप पढ़ कर आए हो, तो पावर शेयरिंग जो है वो मेन उसका डेमोक्रेसी का वो होता है, क्या उसका मेन जो उसकी सोल होती है ना, जितना पावर को शेयर करोगे. फ्रेंच रेवोल्यूशन में फर्स्ट टाइम ये डिमांड हुई थी, मेंटेस्क्यू ने इसको किया था कि पावर जो है वो सिंगल हैंड में ना होके डिवीजन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में होनी चाहिए. बट अगर हम डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करके और सब कुछ उसके हाथ में दे देंगे तो फिर वो क्या हो गया, फिर तो हमने एक तरह से राजा जो है वो 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट कर दिया, ठीक है. तो वो तो डिक्टेटरशिप हो गई, डेमोक्रेसी का वही ख़त्म हो गया, ठीक है. द लेजिस्लेचर हेल्प पीपल टू होल्ड आ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अकाउंटेबल. लेजिस्लेचर जो है बेटा, क्योंकि अकाउंटेबल होती है, क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसमें, तो हम उनको उनसे 5 ईयर्स 5 साल के बाद उनसे अकाउंटेबिलिटी उनकी हमारे साथ होती है. तो इसलिए क्या होता है कि वो जो उनके ऊपर अपना होल्ड बनाकर रखते हैं. इन द एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वुड बिकेम अनरिप्रजेंटेटिव टू द पीपल ऑफ होप द एस्पिरेशन. बट अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा कि वो उनके ऊपर तो ना पीपल्स का कोई चेक रहेगा ना किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन का रहेगा. तो आलोक की ये थिंकिंग जो है कि डायरेक्ट हम प्राइम मिनिस्टर कर लें तो ये गलत है. तो इस तरह से आप इसको क्लैरिफाई करेंगे. कैसे, इसको अपने सिंपल उसमें लिखोगे तो क्या लिखोगे, लेजिस्लेचर फॉर्म लॉ एंड एग्जीक्यूटिव रन गवर्नमेंट. इट मींस कि ऑल द पावर शेयरिंग शुड बी मस्ट एंड दे चेक टू ईच अदर, दैट्स व्हाई इट इज़ नेसेसरी. और दूसरा क्या है कि मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, दैट्स व्हाई दे आर कंट्रोल द
लेजिस्लेचर काउंसिल एंड मिनिस्टर एंड पीपल्स होप्स, ठीक है। अगर हम सब चीज़ उनके हाथ में दे देंगे, अपने हाथ में कुछ भी नहीं रखेंगे, तो क्या होगा, फिर हमारा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा, ठीक है। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लास वॉज डिबेटिंग द मेरिट्स एंड द बायकैमेरियल सिस्टम, द फॉलोइंग पॉइंट्स वर मेड ड्यूरिंग द डिस्कशन, रीड द आर्ग्यूमेंट एंड से इफ यू एग्री और डिसएग्री विद ईच ऑफ देम गिविंग रीजन, ठीक है। अब इसमें कुछ सारी दी गई हैं मेरिट्स, मेरिट्स का मतलब होता है उसकी खूबियाँ, उसकी अच्छाई, है ना, उसकी मेरिट्स, उसके इम्पोर्टेंस, ठीक। अब नीचे कुछ पॉइंट बताए गए हैं, बाय इसका मतलब होता है बेटा टू हाउसेज, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट्स में विधानसभा और विधान परिषद, तो ये जो दो हाउसेज वाली बायोकैमेरियल का मतलब होता है टू हाउसेज वाली जो काउंसिल है, इसकी इसके फेवर में आपके रीज़न देने। नेहा सेड दैट बायोकैमेरियल लेजिस्लेचर डज नॉट सर्व एनी पर्पस, पहले मैं नेहा कहती है, पहले जो एक उसमें कि नेहा कहती है कि इससे जो टू हाउसेज वाली जो हमारी पार्लियामेंट्री होती है, इससे कोई भी पर्पस सॉल्व नहीं होता। शमा आर्ग्यूड, दूसरी है शमा आर्ग्यूड दैट एक्सपर्ट शुड बी नॉमिनेट इन द सेकेंड चैम्बर, वो कहती है कि जो एक्सपर्ट होते हैं उसको उसको नॉमिनेट किया जाता है। हनत त्रिदेव सेड दैट इफ अ कंट्री इज नॉट अ फेडरेशन देन देयर इज नो नीड टू हैव द सेकेंड चैम्बर, अगर वो कहता है कि इस कंट्री में फेडरल सिस्टम नहीं है, फेडरल का मतलब टू टायर गवर्नमेंट नहीं है, इट मींस स्टेट असेंबली, सॉरी सेंट्रल और स्टेट नहीं है, है ना, बहुत सारे छोटे कंट्रीज के अंदर नहीं होते हैं ना स्टेट्स गवर्नमेंट, तो फिर हमें इस तरह की ज़रूरत नहीं है। मतलब राज्यसभा की अगर इंडिया की बात करें तो हमें ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम आते हैं नेहा के स्टेटमेंट की तरफ। नेहा सेड दैट बायोकैमेरियल लेजिस्लेचर डज नॉट सर्व एनी पर्पस, दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू बिकॉज इट इज़ बिकॉज इन अ लार्ज कंट्री लाइक इंडिया टू हाउसेज लेजिस्लेचर आर प्रिफर्ड टू गिव द रिप्रेजेंटेशन टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज द मोनोपोली ऑफ आइदर द चैम्बर कैन बी अप्रोच्ड एंड चेक एंड बैलेंस। इसमें क्या है कि वो कहते हैं कि नहीं नेहा गलत कह रही है, क्योंकि लेजिस्लेचर प्रिफर करता है रिप्रेजेंटेटिव को और सारे क्लास सेक्शन को उसमें रिप्रेजेंट, क्योंकि बेटा जो हमारा सेकंड चैम्बर होता है राज्यसभा, वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, और फेडरल कंट्री होने की वजह से, इतना डाइवर्स कंट्री होने की वजह से, उसको हर 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 कम्युनिटी को, हर ज्योग्राफिकल एरिया को उसमें रिप्रेजेंटेशन मिलता है, जिससे कि चेक एंड बैलेंस जो है बना रहता है। नंबर टू है शमा आर्ग्यू दैट एक्सपर्ट शुड बी नॉमिनेट इन द सेकेंड, अब शमा कह रही हैं कि उसमें नॉमिनेट कर दो जो भी अच्छे एफिशिएंट जो भी हमारे वो हैं। तो इसमें क्या है, द प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा फ्रॉम अमंग द पर्सन हु इज़ द एक्सपर्ट फील्ड ऑफ लिटरेचर आर्ट सोशल सर्विस एक्सेट्रा हु आर एक्सपीरियंस्ड एंड पोसेस इंटेलेक्चुअल डेप्थ, वो कहते हैं कि हाँ 12 मेंबर, अब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो हमारी राज्यसभा में एक्सपर्ट जो होते हैं अपने अपने फील्ड्स के, स्पोर्ट्स पर्सन, सोशल सर्विस, आर्ट, लिटरेचर, इनमें जो भी होते हैं उनको, जो बुद्धिजीवी जिन्हें हम कहते हैं उनको अपॉइंट करता है। अब है त्रिदेव आर्ग्यूमेंट, त्रिदेव ने क्या बोला है, सेड इफ आर कंट्री इज नॉट फेडरल फेडरेशन, अगर वहाँ पर फेडरेशन नहीं है, इट मींस कि डिवाइड नहीं है वो डिफरेंट फेडरेशन के अंदर स्टेट्स में, तो कोई ज़रूरत नहीं है फिर। त्रिदेव आर्ग्यूमेंट इज नॉट आल्सो नॉट ट्रू बिकॉज द सेकंड चैम्बर इज आल्सो रिक्वायर्ड टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी इवन दो इट माइट नॉट अ फेडरेशन, ठीक है भाई, अगर नहीं भी है हमारे कंट्री में, किसी भी कंट्री में फेडरल सिस्टम नहीं है, तो भी सेकंड हाउस होना चाहिए, क्योंकि उस विद इन अ कंट्री, चाहे वो एक ही कंट्री हो, उसमें उसके डिवाइडेशन ना हो, स्टेट ना हो, लेकिन
एवरी कम्युनिटी को, एवरी पार्ट को उसमें क्या चाहिए होता है, रिप्रेजेंटेशन चाहिए होता है। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नाउ वी मूव टू सेकेंड चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी। व्हाई कैन द लोकसभा कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव मोर इफेक्टिवली देन राज्यसभा कैन। अब ये क्वेश्चन है, देखो बेटा इसमें ये पूछा है कि क्यों लोकसभा ज़्यादा कंट्रोल करती है इफेक्टिवली राज्यसभा से। सो आंसर देना है, द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय द पार्टी हु गेट मेजोरिटी इन लोकसभा। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा बिकॉज इट इज अ डायरेक्ट हाउस, लोअर हाउस, बट इट इज अ डायरेक्ट इलेक्टेड हाउस, है ना। सो दैट्स वाई द इसमें जो है जिस पार्टी को 543 मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं, टोटल मेंबर 545 होते हैं, टू आर नॉमिनेट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दे आर मोस्टली एंग्लो इंडियन। सो बेटा इसमें जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है उस वो रूलिंग पार्टी होती है, और दूसरी पार्टी जो होती है जिसको उसके बाद सबसे ज़्यादा सीट्स मिली होती हैं वो अपोजिशन पार्टी होती है। तो इस वजह से डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन की वजह से होता है। द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, वही आ गई देखो जो मैंने, क्योंकि ये मेंबर्स जो हैं लोकसभा के हमारे द्वारा, डेमोक्रेसी में पीपल सबसे ज़्यादा सुपीरियर माने गए हैं तो उन्हें हम इलेक्ट करते हैं, इसलिए दे आर मोस्ट सुपीरियर पर्सन। द लोकसभा इंजॉय द पावर टू रिमूव एनी एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द ऑफिस वाइल द राज्यसभा कैन नॉट रिमूव एनी एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द ऑफिस। ठीक है, जैसे कि बेटा चीफ जस्टिस हो गए, है ना, उनके लिए प्रोसीजर है, एकदम से नहीं हटा सकते, एक बड़ा टिपिकल सा प्रोसीजर, बट राज्यसभा में वो नहीं हो सकता, लोकसभा उसको फॉलो करके उसको हटा सकती है, या कोई भी IAS PCS है ना कोई गलत काम करता है तो ये उसके पास पावर होती है। तो कौन से तीन पॉइंट हम लिख देंगे इसमें, कि जो इसमें मेजोरिटी पार्टी का लीडर पार्टी है वो लोकसभा बनती है ना, और लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल्स होते हैं, और कोई भी एग्जीक्यूटिव अगर ढंग से काम नहीं करता है तो लोकसभा के पास ये पावर है, राज्यसभा के पास नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदर देन इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव द लोकसभा इज प्लेटफॉर्म और एक्सप्रेशन ऑफ पॉपुलर सेंटिमेंट एंड पीपल्स एक्सपेक्टेशंस, डू यू एग्री। सिर्फ वो इफेक्टिवली कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, इसके अलावा लोकसभा अपने एक्सप्रेशन, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने का और लोगों की आशाओं का एक प्लेटफॉर्म है। क्या आप इस चीज़ से एग्री हैं? यस, आई एग्री टू दिस व्यू दैट रादर देन इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव द लोकसभा इज द प्लेटफॉर्म फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ पॉपुलर सेंटीमेंट्स एंड पीपल्स एक्सप्रेशन, इट इज रीजन आर रीजन। मेंबर्स ऑफ लोकसभा एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन द बिल ड्यूरिंग द डिस्कशन। द मेंबर, लोकसभा के मेंबर अपने व्यूज दे सकते हैं जब बिल मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया कि ड्राफ्ट किया हुआ लॉ को जब ड्राफ्ट करते हैं और टिल देन वो पास नहीं हो जाता जब तक उसको क्या बोला जाता है, बिल, कोई भी लॉ। दीज मेंबर कैरी सेंटीमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी पीपल टू द पार्लियामेंट। ये लोगों की उम्मीदों को, लोगों की भावनाओं को, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो इच्छाएं हैं उनको पार्लियामेंट में लेकर आते हैं। अ डिबेट ऑन अ पर्टिकुलर बिल टेक प्लेस एंड ओपन द पाथ फॉर इट्स मॉडिफिकेशन एक्सेट्रा इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, एक डिबेट होती है पर्टिकुलर बिल के ऊपर, है ना, प्लेस होता है, ओपन होती है सब चीज़, एंड उसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन हो सकता है हो जाता है डिबेट एंड डिस्कशन के बाद अगर नीड होती है। ठीक है,
मनी विल हैव इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली मनी. मैंने बताया था कि फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं मनी बिल जो होता है वो सिर्फ उसको इंट्रोड्यूस कहाँ होता है, लोकसभा के अंदर ही होता है. पार्लियामेंट इंजॉय द पावर एंड फ्रेम लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स गिवन इन द यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट इफ रिक्वायर्ड. जो बेटा हमारे लोकसभा है और राज्यसभा है, मतलब जो हमारा ये जो है ना, तो ये सिर्फ यूनियन लिस्ट आपने पढ़ा हुआ है, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, उस पर स्टेट भी लॉ बना सकती है और सेंट्रल भी. तो सिर्फ हमारे यूनियन लिस्ट के अंदर जो मैटर हैं कौन कौन से, जैसे कि बेटा आपका करेंसी, फॉरेन अफेयर, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये सब किसके हाथ में आते हैं, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आते हैं. ठीक है, तो इन सब के ऊपर बनाएंगी. और कुछ कॉन्करेंट लिस्ट है जिसके ऊपर दोनों बना सकते हैं, जैसे कि मैरिज, एडॉप्शन है ना, और फॉरेस्ट, ये इस तरह की जो चीज़ें होती है. ठीक है, एंड द पार्लियामेंट इंजॉय द पावर टू फ्रेम लॉ इन द सब्जेक्ट गिवन इन अ यूनियन लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है बेटा, ये हो गया आपका चैप्टर 4 क्वेश्चन. एंड नेक्स्ट है, द फॉलोइंग आर सम प्रपोजल टू मेकिंग द पार्लियामेंट मोर इफेक्टिव स्टेट. इफ यू एग्री और डिसएग्री विद ईच ऑफ देम एंड गिवन योर रीजन, एक्सप्लेन व्हाट वुड बी द इफेक्ट इफ दीज सजेशंस वर गिवन. तो ठीक है बेटा, इसमें आप पहला है, पार्लियामेंट शुड वर्क फॉर लॉन्गर पीरियड. पार्लियामेंट को ज़्यादा टाइम तक काम करना चाहिए, मतलब कि लंबे टाइम, 5 ईयर से भी ज़्यादा. तो इसका आंसर क्या है, यस आई एग्री बिकॉज द पार्लियामेंट इज सपोज टू इंश्योर द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, बट इन द अब्सेंस ऑफ द प्रॉपर टाइम एज वेल एज बायकॉट सेशन एंड द अपोजिशन डिले द इम्पोर्टेंट बिल ऑल्सो रिमेन पेंडिंग फॉर लॉन्गर पीरियड. हैंस द पार्लियामेंट शुड वर्क फॉर सम लॉन्गर ड्यूरेशन, कैन नॉट एग्जीक्यूटिव थ्रू डिबेट्स डिस्कशन एंड इंश्योर अवॉइड ऑफ बिल पेंडेंसी ऑफ बिल. देखो बेटा, इसमें यह है कि जैसे कि मतलब उन्हें एक पॉजिटिव वे में काम करना चाहिए. हमने 5 ईयर्स के लिए अपने जो लीडर हैं उनको अपॉइंट किया, तो वहाँ जाकर अब उन्हें कुछ काम करना चाहिए, ना कि क्या करना चाहिए कि बायकॉट है ना, और अपोजिशन डिले करते हैं जैसे, है ना, और वहाँ पर लड़ाई हो जाती है. तो ये नेगेटिव वो ना कर, क्योंकि बहुत सारा खर्चा आता है किसके ऊपर, लोकसभा और राज्यसभा का जो भी सेशन होता है उसको चलाने के अंदर. तो क्या होना चाहिए कि सबको उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए और जितने भी बिल हैं, लॉज हैं, उनको फटाफट पास करना चाहिए. दूसरा है, अटेंडेंस शुड बी मेड कंपलसरी फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. बेटा हम लोग इलेक्ट कर देते हैं अपने पार्लियामेंट को अपने अपने एरिया के, बट अगर आप उनकी वहाँ पर अटेंडेंस देखें तो बहुत कम होती है. जैसे कि आपके पेरेंट्स क्लास आपको स्कूल में एडमिशन दिलवा देते हैं और आपकी क्लास के अंदर जो अटेंडेंस है वो ना के बराबर. अगर आप क्लास में ही नहीं आओगे तो कैसे आप अपने सिलेबस को देखोगे. और अगर प्राइवेट एजुकेशन से काम चल सकता तो CBSE एक ये भी ज़रूर ऑप्शन लेके चलती, लेकिन 12th तक वहाँ पर प्राइवेट एजुकेशन का कोई ऑप्शन नहीं है. सो इसी तरह अगर हम उन्हें इलेक्ट कर वहाँ भेजते हैं तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वहाँ पर जाएं. अदरवाइज़ जैसे आपके लिए 75% वो प्रेजेंटेशन है ना, प्रेजेंट जो ना नेसेसरी है, इसी तरह कोई एक मिनिमम वहाँ पर कर दें जिससे कि सब वहाँ पर प्रेजेंट रहें. ठीक है, तो इसमें भी है अटेंडेंस शुड बी, यस आई एग्री विद दिस व्यू ऑल्सो. स्पीकर ऑफ लोकसभा इज प्रेसाइडिंग ऑफिसर टू रेगुलेट द बिजनेस ऑफ हाउस. नाउ अ डे सम मेंबर्स क्रिएट नॉइसी
हाँ, समटाइम मेंबर्स क्रिएट मच डिसकम्फर्ट टू कंपेल द स्पीकर एंड द एडजोर्न द हाउस. ठीक है, ये जो है कई मेंबर्स जो हैं वो आते नहीं हैं और वहाँ पर कम पार्टिसिपेट करते हैं, उनके अगेंस्ट जो है स्पीकर को डिसीजन लेने चाहिए. स्पीकर शुड बी एम्पावर टू पेंडिंग पेनलाइज मेंबर टू इंटरप्टिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस. सो ठीक है, ये भी अब पढ़ते हैं. यस, ये होना चाहिए. समटाइम मेंबर्स क्रिएट मच डिसकम्फर्ट एंड कंपेल टू स्पीकर टू हाउस, हैंस द प्रोसीजर हैंस द प्रीसीशियस टाइम ऑफ हाउस इज वेस्ट एंड नॉट यूटिलाइज इन द कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स. इस तरह से क्या होता है कि कुछ मेंबर जो है अननेसेसरी शोर और शराबा मचा के बाइकआउट करके करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो हमारे पार्लियामेंट का इतना कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स जिसमें हो सकती थी वो जो है वो क्या हो जाता है, वो टाइम जो है वेस्ट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी की. आरिफ वांट टू नो दैट इफ मिनिस्टर्स प्रपोज मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट बिल, इफ द मेजोरिटी पार्टी ऑफन गेट द गवर्नमेंट बिल पास, दैट इज द रोल ऑफ द पार्लियामेंट इन लॉ मेकिंग प्रोसेस, व्हाट आंसर वुड यू गिवन. आरिफ ये कहता है कि अगर मिनिस्टर प्रपोज करते हैं ज़्यादातर बिल्स को एंड मेजोरिटी पार्टी ज़्यादातर उन्हें पास करवा लेती है, तो क्या पार्लियामेंट में इसका लॉ मेकिंग रोल. बेटा, जिसको हम मेजोरिटी दे देते हैं उसका बिल तो पास हो ही जाता है, चाहे वो गलत हो या सही हो. तो ये आरिफ का ये कहना है कि फिर क्या रोल रह गया पार्लियामेंट का. इट मीन्स जिसको मेजोरिटी मिल गई वो तो अपना चला ही रहा है. लेकिन नहीं, बिकॉज इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, बिकॉज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अकाउंटेबल टू द लोअर हाउस एंड इफ अ बिल डज नॉट सक्सीड अ पास्ड बाई अ पार्लियामेंट इज शो द लॉस ऑफ मेजोरिटी ऑफ पार्टी ऑफ हाउस, हैंस द गवर्नमेंट विल हैव टू रिजाइन. ठीक है, क्योंकि बेटा जो मिनिस्टर है, जैसे आरिफ कह रहा है, मिनिस्टर भी तो लोअर हाउस का जो एक एमपी है वो भी तो इलेक्टेड पर्सन है. अगर वो कोई गलत बिल लेकर आता है तो नेक्स्ट टाइम में उसके अगेंस्ट भी जो पब्लिक है वो भी अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है. अ बिल इज इंट्रोड्यूस इन आइदर द हाउस इन केस ऑफ नॉन मनी बिल. अगर वो मनी बिल नहीं है बेटा, कोई ऑर्डनरी बिल है, तो वो किसी भी हाउस में मतलब जो है इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में. मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा फॉर द डिबेट एंड डिस्कशन एंड द वेरियस स्टेज. और उसके ऊपर भी, जब मनी बिल के ऊपर भी बहुत डिबेट एंड डिस्कशंस होते हैं. इफ़ एनी बिल डज नॉट फुलफिल द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, द पार्लियामेंट प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू विदड्रॉ द बिल, बट इफ इट इज नॉट इंटरेस्ट ऑफ पीपल द प्रेशराइज द गवर्नमेंट इन इनिशिएटिव द इंटाइटल द बिल. अगर जो अपोजिशन पार्टी है उन्हें लगता है कि ये जो बिल है वो लोगों की नीड्स को फुलफिल नहीं कर रहा है, उनकी विश के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो उसको वापस लेने के लिए मजबूर कर सकती है. और बेटा ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे और भी तरीके होते हैं, मतलब पब्लिक रैली करके, अच्छा, और जंतर मंतर पे जाके अपना विरोध प्रदर्शन करके भी हम गवर्नमेंट को अपनी जो विरोध है वो दिखा सकते हैं. नेक्स्ट है, द मनी बिल कैन नॉट बी डिनाइड बाय द राज्यसभा, इट कैन डिले इट ओनली 14 days, आफ्टर द 14 days इट विल बी डीम्ड टू हैव पास्ड. मनी बिल जो होता है बेटा वो सिर्फ 14 दिन के लिए डिले कर सकती है राज्यसभा, और 14 दिन बाद जब वो दोबारा आता है तो वो उसको पास करा दिया जाता है. इट मींस कि मनी बिल को छोड़कर अनदर बिल के ऊपर राज्यसभा इक्वली मतलब उसमें साथ है. इफ़ देयर इज़ अ टसल बिटवीन द टू हाउसेस, द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट रिजॉल्व द इशू. बेटा देखो, जब अगर दोनों हाउसेस के अंदर कोई टसल, कोई एक किसी बात को लेके खींचातानी हो जाती है, टसल हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं
वो एक ज्वाइंट मीटिंग बुला लेते हैं दोनों हाउसेस की, और वहाँ पर पार्लियामेंट में उस इशू को जो है ना वो जो है रिसॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये दो क्वेश्चन जो है वो इतने आप पढ़ लीजिएगा, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द डिफरेंट स्टेज ऑफ पासिंग द बिल इनटू द लॉ इन देयर करेक्ट सीक्वेंस। बेटा आगे तो आपको पूरा ये पढ़ के बताऊंगी मैं, लेकिन अभी आप देखिए, अब मैं पूरे सेंटेंस पढ़ रही हूँ, फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से। अ रेजोल्यूशन इज पास टू एडमिट द बिल बिल फॉर द डिस्कशन। द बिल इज रेफर्ड द प्रेजिडेंट टू द इंडिया राइट दैट हैपन्स इफ शी नॉट साइन इट। द बिल इज रेफर्ड टू अदर हाउस टू पास। द बिल इज पास द हाउस विच इट वॉज प्रपोज। द बिल इज रीड बिकॉज क्लॉज बाई क्लॉज एंड रीच द वोटेड अपॉन। द बिल इज रेफर्ड टू सब कमिटेड एंड द कमेटीज मेड सम चेंज एंड सेंड बैक टू द हाउस। द कंसर्न मिनिस्टर प्रपोज द नीड फॉर बिल। लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री लॉ ड्राफ्ट अ बिल। सो बेटा इसको अब करेक्ट छोटी क्लासेस में आप जैसे पढ़ते थे कि उसको अपने सही उसमें लगाओ, तो पहला इसका जो आंसर है वो क्या होगा, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ड्राफ्ट अ बिल, इट मीन्स लास्ट वाला। ठीक है, ये वाला जो है आप करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका इट मीन्स एच सबसे पहले। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका द कंसर्न मिनिस्टर प्रपोज द नीड ऑफ बिल। अब आ जाओ इसमें जी, सेकंड नंबर पर जी आएगा। फिर उसके बाद है द रेजोल्यूशन इज पास्ड टू एडमिट द बिल फॉर डिस्कशन। द बिल इज रेफर्ड टू द सब कमेटी एंड कमेटीज, ये है ना। फिर है नेक्स्ट द बिल इज रेड कॉज by clause by clause and each to voted upon. The bill is passed the house. फिर the bill is referred and the bill is referred to the president of India. So बेटा इसको एक मिनट देखो, पहले आपका आएगा H first है, G second है, and the फिर उसके बाद है रेजोल्यूशन, फिर आपका है ए थर्ड। ठीक है, और फिर है आपका द बिल रेफर्ड, फिर है आपका बी फोर, है ना, नहीं सी वाला है फोर, है ना, एंड फिर है आपका द बिल रेड क्लॉज वाई क्लॉज, ये है आपका फाइव, फिर है आपका सिक्स द बिल पास द हाउसेस, ये है आपका सिक्स। ठीक, और ये सेवन, फिर है आपका ये सेवन द बिल रेफर टू अदर हाउस द बिल, है ना, ये हो गया आपका फाइव और ये हो गया सेवन। ओके, दिस इज योर प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग। ओके, आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन अनदर क्लास, नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे।